जो प्रमेह के रोगी हैं, धातु क्षीणता है, कमजोरी है, तब भी इसको आप कूट करके रात को भिगो दीजिए, सुबह मसल करके छान करके, थोड़ी कड़वी होती है पर थोड़ी कड़वी लगे तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं, थोड़ा शहद मिला सकते हैं, शहद मिला करके मिश्री मिला करके आप पी सकते हैं। इसको पीने से आपकी जो कांति है वह कांति भी बढ़ जाएगी, इससे आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपकी जो स्किन का कलर है वह भी बदल जाएगा, बुढ़ापे में भी झाइयाँ और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी इसका यदि आप कुछ समय तक नियमित रूप से सेवन करते हैं तो। वास्तव में यह अमृत है, यह अमृता नहीं, यह एक दिव्य औषधि है, यह भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र के लिए वरदान है, यह बुढ़ापा को रोकने वाली है, जवानी को बना करके रखने वाली है। तो कौन चाहता है ज़िंदगी में आए बुढ़ापा, और कौन चाहता है कि जाए यह जवानी कभी हमारे हाथों से निकल, तो हाथों से जवानी को नहीं निकलने देना चाहते हैं, बुढ़ापा आ चुका हो तो उसको दूर भगाना चाहते हैं। तो आप सेवन करिए इस अमृता का, यह बहुत लाभकारी है।